संगम नगरी यानी प्रयागराज की खूबसूरती की छटा पूरी दुनिया में फैल रही है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ की भव्यता देखने के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं। गुरुवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भी प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। इसके साथ ही संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। Let me first of all thank the government of India and Prime Minister Modi ji for having invited me as the chief guest of Aritya Deva and for excellent arrangements that have been made to welcome me, my wife, my delegation, and I must say that coming after Varanasi to Prayagraj, it's a unique spiritual experience for me and my wife and my delegation, and I wish that through my visit again this time, the very strong bonds that exist between India and Mauritius will consolidate further, and let us in this very spiritual place have the blessings of Ganga Mata, both for India and for Mauritius. Jai Hind, Jai Hind. Mauritius ke PM यहाँ संगम नोज पे आए और गंगा में आस्था की डुबकी लगाए। आप देख सकते, उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा आयोजन मोदी सरकार द्वारा हुआ है। कुंभ की जो अद्भुत छटा है वो पूरे देश दुनिया में लोग देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रशासन पूरी तैयारी उनके स्वागत के लिए फूलों का गेट बनाया था उसके साथ यहाँ पे आए। उन्होंने कुंभ को अद्भुत आयोजन बोला क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कुंभ की छटा पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं और आज इसीलिए वो संगम नोज पे आए और आस्था की डुबकी लगाकर अपने देश के लिए रवाना हो चुके हैं। मॉरिशस के PM यहाँ पे आए संगम नोज पे। सुबह 10:30 बजे वो बमरौली एयरपोर्ट पे पहुँचे। उसके बाद हनुमान जी लेटे हुए का दर्शन किया और अच्छेवट के भी दर्शन किया। वहाँ से होते हुए आए यहाँ संगम नोज पे आस्था की डुबकी लगाई।